Good morning, students. Today I will start the first chapter of civics. The Indian Constitution, Bhartiya Samvidhan. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे. आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुतों ने तो खेला भी होगा. जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर्स एक्सेप्ट द गोलकीपर, देन दिस इज कंसीडर्ड ए फाउल. जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये खेल पैरों से संबंधित है, फुटबॉल का एक नियम यह भी है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता. अगर किसी खिलाड़ी की बांह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर. खिलाड़ी की बांह से गेंद छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है. कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाता है या नहीं माना जाएगा. सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट आल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है. एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन आल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. इन खेलों की तरह हर समाज के भी मूलभूत नियम होते हैं. लाइक दीज गेम्स एज ए सोसाइटी आल्सो हैज कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंटिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज. उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समुदाय एक साथ
रहते हैं। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर दीज रूल्स आर फार्मुलेटेड थ्रू कंसेंसिव एज इन मॉडर्न कंट्रीज दीज कंसेंसिव इज यूजली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए यानी बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं और वहाँ नियमों की को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में वह सहमति खास तौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। वी हैव लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लासेज 6 and 7 इन आवर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या उसे किसने लिखा। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ईच ऑफ दीज फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड सम ऑफ दीज विल बी द फोकस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस बुक। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। Why does a country need to constitution? टुडे यानी कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइक टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज That have a constitution are democratic। आम तौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वेस सेवरल पर्पस।
संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. फर्स्ट इज लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एट सिटीजन एस्क्वायर टू लिव इन. यानी इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे. संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है. पहला यह कि दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं. और पुट एनादर वे ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज. यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है. ए कंट्री इज यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज. देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं और उनके बीच कई बातें समान होती लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों. ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्संस इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द basis of the way in which they want the country to be governed. संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं. This included not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं और जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए. लेट अस एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू this through to contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें
और दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्ची। समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अपहोल्ड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी, और परंतु सवाल यह उठता है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे एक संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, और इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। उन्नीस सौ नब्बे में बना नेपाल का पिछला संविधान इस संविधान पर आधारित था। ए पीपल्स ऑफ मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुशिंग एंड इन टू द पावर्स ऑफ द किंग। तो 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस संविधान पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, लेकिन नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन करते चले आ रहे थे, और इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। द रीजन दैट दे डिड नॉट वेन टू कंटिन्यू विथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फाउट फॉर। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच ए चेंज इन द इंस्टीट्यूट रूल्स विल चेंज द गेम एल टूगेदर नेपाल बाई मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू चेंज ऑल इस इट कॉन्स्टिट्यूट रूल्स इन ऑर्डर टू रूलर इन ए न्यू सोसाइटी।
जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे, ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। और यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। द कैप्टन अलोंग साइड एलोबरेटेज नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी और पॉलिसी द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लाइंग आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट गाइड लाइन्स दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज। जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स टू दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। हाउ एवर, देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मीजर देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो।
राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग के साथ भारी अन्याय हो सकता है। एक इसका उदाहरण नीचे दी गई चित्र कथा पट्ट में देखा जा सकता है। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज ए बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फाउंड ऑफ हिम। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दमंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास। सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अम। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं। वो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं और सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ। बट व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने किया क्या है। When Mrs. Rao returns to the class, श्रीमती राव के लौटने पर, मैडम while you were away, अनिल kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 times। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। बट मैडम डिड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गॉड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। डू विल रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि।
एक्सपीरियंसेस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज अ दलित। उस अध्याय में बताया गया है कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वल टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन grounds on of religion, race, caste, gender and place of birth। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। थैंक यू।